पास्कल सल्धाना कर रहे हैं डायलिसिस पेशेंट की मदद राशन किट और डायलिसिस की दवाई बांटकर। मुंबई के एक मंडप डेकोरेटा पास्कल सल्धाना अपनी पत्नी के अनुरोध पर लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। आपको बता दें कि पास्कल की पत्नी दोनों किडनी फेल होने के बाद पिछले 5 साल से डायलिसिस पर है। पास्कल सल्धाना 18 अप्रैल से लगातार लोगों को फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। पास्कल सल्धाना सोशल वर्कर पूजा शर्मा के साथ मालवानी गेट नंबर 7 जामा मस्जिद के पीछे एक हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट को दवाइयां बांट रहे हैं और राशन किट बांट रहे हैं। पूजा शर्मा ने पास्कल सल्धाना को बहुत दुआएं दी है और कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, फिर भी वो इतना काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। उनको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, वो अपने पैसों से लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की है रिपोर्ट। मैं आपका उसी के लिए उनको मदद करने के लिए उनको उस दवाई देने का, तो उनको मैंने डायलिसिस के लिए आयन इंजेक्शन और बेल्ट दिया है, फिस्टुला बेल्ट दिया है और 10,000 यूनिट का एक इंजेक्शन दिया है जो ब्लड बढ़ाता है। वो हमने उनको एक किट बना के दिया और राशन दिया है। ये अपना डायलिसिस लोग को जो मंगता मेडिसिन मैंने उनको दिया है और राशन भी दिया है। और अभी देखे आगे हम उनके पास और मिल के आया, उनको बहुत अच्छा भी लगा और ये काम करने से मुझे बहुत खुशी भी होती है। मैं हॉस्पिटल में ही है, डायलिसिस चालू है, हॉस्पिटल में रख के आया हूँ। तो आप उनको वक्त दे पाते हैं क्या? नहीं, उनको भी वक्त देता हूँ, बाहर भी वक्त देता हूँ। मेरे पास मेरा बच्चे लोग भी है, वो भी संभालते हैं। मैडम भी है, उनके लिए एक मैडम भी रखा, वो भी संभालते हैं। तो मुझे सब अच्छे देखना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। और डायलिसिस पेशेंट ऐसा है क्या, उनको ऐसा मतलब बहुत संभालने के लिए बोला तो खाने का काम नहीं है, जो संभालता है उनको भी मालूम है कि वो डायलिसिस पेशेंट को कैसा संभालना है। उसका दिल जानता है कैसा उसको आदमी लोग का, उसका कोई औरत है, कोई आदमी है संभालता है, उसका दिल को मालूम है ये जो पेशेंट है। और मैं भी चाहती हूँ मैं लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए, फिर भी मुझे इस आज से मुलाकात हुई है। उसकी मैडम भी बीमार है, फिर भी देखिए सर कितना काम कर रहे हैं। जो तो बीबी बीमार है फिर भी इतना टेंशन। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मैं सर को दिल से बहुत दुआ करता हूँ, जो इतना प्रॉब्लम में हो के भी दुनिया को लिए इतना मदद कर रहा है। नॉर्मल एक इंसान हो के उसके कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, पर जो कर रहा है ना वो उसको खुद से कर रहे हैं, पर्सनल जो भी है थोड़ा सा वही सब लोगों को बांट दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल में वो बहुत कुछ दिया है, डॉक्टर को मेडिसिन राशन बहुत कुछ दिया है। मैं दिल से दुआ करती हूँ सर, आप भी आगे बढ़ो, जब भी मैंने मुझे बुलाना। थैंक यू सर। दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद दर्शकों। हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है, परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है, परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं।
दो गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।